तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी भी फ़ोन नंबर का डाटा हासिल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। तो आपने वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट या ऐप देखी होंगी जिनसे आप किसी भी नंबर की डिटेल हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपको किसी भी नंबर की डिटेल निकाल के दे सकते हैं, चाहे वो नई सिम हो या पुरानी हो। बाकी जो होती हैं या वेबसाइट या ऐप, वो नए पुराने को ये देखती हैं, जो पुराने नंबर हैं उनका डाटा निकाल के देती है, लेकिन ये आपको हर किस्म के नंबर का डाटा निकाल के दे सकती है। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मैं सबसे पहले इसको डाउनलोड करना बता देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड APK फाइल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर न्यू टैब ओपन होगा। तो मैं इसको बंद करके वापस चला जाता हूँ और दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको डैनी कर देता हूँ और यहाँ पे वेट कर लेता हूँ 5 सेकंड की ऐड आएगी। तो यहाँ पे मैं स्किप ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलाउ का पूछता है, तो आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है, वरना अगर आपने अलाउ पे क्लिक ना किया तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये वेट करने का कह रहा है, हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड का इसने बटन दे दिया है। तो हम यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड करते हैं, इस ऐप का नाम है ग्लोबल डायरेक्टरी, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी सी ऐप है, डाउनलोड हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करते ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसको यूज़ कैसे करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में अब मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेलकम स्क्रीन मिलती है और यहाँ पे नीचे आपको गेट स्टार्ट का बटन मिलता है। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ अलाउ करते जाना है तो ये आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारी ऐप का कुछ लुक इस तरह से आपको नज़र आएगा। नंबर यहाँ पे नंबर की लोकेशन या उसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं, CNIC नंबर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद कॉल लोकेशन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर वाला चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मेरी वाली। मैं सिम अपने नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर नया है। नंबर देने के बाद यहाँ पर मैं टिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पे ये नंबर बता रहा है कि जब ये सिम ली थी तो सबसे पहले किसके नाम थी। तो मैंने अपने नाम अब करवा लिया वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आपको वो उस बंदे का नाम बताएगा जिसके नाम ये सिम होगी। तो आप कोई भी नया पुराना नंबर यहाँ पे सर्च करके देखिएगा, ये आपको सही डिटेल बता देगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉल लोकेशन वाले पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम किसी भी चीज़, किसी भी नंबर की लोकेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर अपना ही नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डिटेल भी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई इस बार और यहाँ पे ऊपर आपको लोकेशन भी बता रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की यहाँ पे लोकेशन मालूम कर सकते हैं और इस तरह से डिटेल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर तंग कर रहा है या घर वाले नंबर पर कोई तंग कर रहा है, तो आप उसको इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर किसका है, किसके नाम पर है और कहाँ से है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।